कोरोना के इस दौर में प्रदेश भर में लगातार जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी गई है। वहीं इस बीच कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के बेटे पर इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाया है। विधायक शुक्ला ने कहा कि तुलसी सिलावट के परिवार के लोग कोरोना के इस भीषण दौर में इंजेक्शन बेचने का कार्य कर रहे हैं। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर के सभी शमशान घाटों में लाशें जल रही हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री चूड़ी पहनकर घर में बैठे हुए हैं। जिन अस्पतालों के दौरे वे कर रहे हैं उन्हें वे भी चालू नहीं करवा पाए। शुक्ला ने कहा कि प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट आम लोगों को इंजेक्शन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि तुलसी सिलावट के बेटे अपने घर से इंजेक्शन बेच रहे हैं और ऐसी शिकायतें अन्य विधायकों और भाजपा नेताओं को लेकर भी मिल रही हैं। ये लोग घरों से महंगे और आवश्यक इंजेक्शन ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। हमने यही बताया कि हम लगातार 15 दिन से 20 दिन से इंदौर लड़ रहे हैं, प्रशासन से भी लड़ रहे हैं, मंत्री से भी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी बोल रहे हैं, परंतु इंदौर में जो उनका सपनों का शहर था मुख्यमंत्री का, वो इंदौर में अभी तक एक बार भी इंदौर में नहीं आए। परंतु कमलनाथ जी इंदौर में आके इंदौर की जनता से मिले, हम लोग बात करी, उन्होंने पूरा हालचाल पूछा कि भाई यहाँ इंजेक्शन कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन कितना आ रहा है, अस्पताल कितने चालू हुए। हमने उनको सब बताया कि इंदौर में एक सेवा का अस्पताल था, उनको महत्वपूर्ण चालू किया, एमबीए का अस्पताल है जहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज वहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, डेंटल कॉलेज उसको चालू नहीं किया, मेरा खुद का हॉस्टल वो चालू नहीं किया। परंतु ये सिम आंकड़े दिखा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। वो इंदौर में लाशों को ढेर लगे हैं, इंदौर के अंदर 52 शमशान हैं, उन शमशानों में सब में लाशें जल रही हैं और ये 5 से 10 से लाशें बता रहे हैं। वो इंदौर के जितने विधायक और जितने मंत्री ये इनके परिवार के लोग सब इंजेक्शन बेच रहे हैं और लाखों रुपये में पकड़ा भी रहे हैं। इंदौर में कई लोग पकड़ाए हैं, उन्होंने बोला कि हम विधायक के घर से लेके आए। अब तो शर्म वाली बात आने लग गई है, जो इंदौर के हमारे प्रभारी उनके बेटे खुद चिंटू ऐसा काम कर रहा है, इंदौर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।